मॉर्निंग स्टूडेंट ओशियन ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एमएस वर्ड बताने वाले हैं, एमएस वर्ड में कैसे यूज करते हैं। तो इससे पहले हम आपको एमएस पेंट पढ़ा चुके हैं। एमएस वर्ड का फुल नेम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड को क्या है, कौन नाम है जिसका बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। डिफिनीशन की बात कहा जाए कि वर्ड एमएस वर्ड का डिफिनीशन क्या होता है। ए वर्ड प्रोसेसर इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट डील्स विद द टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। एमएस जो वर्ड होता है एक वर्ड प्रोसेसर होता है, जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कि टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट के आधार पर मतलब कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अनुसार ही उसको हम क्या बनाते हैं, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट कैसा, जैसे कि हुआ एग्जाम पेपर हुआ, बैंक का ब्राउचर हुआ, न्यूज़ पेपर हुआ, एप्लीकेशन हुआ। तो ये सब जिस तरह के हमें डॉक्यूमेंट अगर बनाना हो तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा है, बोलिए। टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब होता है वर्ड, वर्ड में जो सॉफ्टवेयर होता है। फिर दूसरी देखिए, इसमें डिफिनेशन में दिया एमएस वर्ड विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसर विच मेक इट इजी टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज मुख्य रूप से आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जो किस तरह के डॉक्यूमेंट, जैसे कि लेटर हुआ, न्यूज लेटर्स हुआ, ब्राउचर्स हुआ, स्कूल कॉलेज का एग्जामिनेशन पेपर हुआ, ETC। इसके अलावा बहुत से भी वर्क हम करते हैं। कोई हमें देना होगा नोटिस किसी को, कोई हमें रिज्यूम बनाना होगा, बायोडाटा बनाना होगा, तो वो सब हम किस में जाके बना सकते हैं, एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है स्टूडेंट्स कि हम एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में कंप्यूटर के स्क्रीन में आपका लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन लिखा होता है। माउस को ड्रैग करते हुए लेफ्ट बटन का यूज करके हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को ओपन करें, क्लिक करेंगे स्टार्ट। उसके बाद प्रोग्राम, स्टार्ट के बाद प्रोग्राम, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्राम के बाद जाएंगे, इसी में देखेंगे आपको मिल जाएगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को आप क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट बटन से, तो आपका एमएस वर्ड आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब एमएस वर्ड ओपन होता है तो ऑलरेडी उसके साथ एक ब्लैंक पेज खुला होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप एक तरीका स्टार्ट करने के लिए, आप रन में जाना, रन में जाओगे, रन में जाके स्टार्ट रन, रन में जाके आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके पास। जब आप रन में क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आप एमएस वर्ड टाइप कर देना, और एमएस वर्ड टाइप करके आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे या ओके कर देंगे। टाइप करने के बाद क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे एमएस वर्ड, क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन को या इंटर बटन को भी प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम क्या कर देंगे, यदि ऑलरेडी हम एमएस वर्ड का आइकन बना के आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे लगाए हुए हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे रखे हैं, तो वहाँ जाके माउस का लेफ्ट बटन का यूज करके डबल क्लिक करके भी हम एमएस वर्ड को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो जाएंगे जनरली माउस का लेफ्ट बटन का यूज करेंगे, स्टार्ट आर प्रोग्राम एमएस वर्ड, आर प्रोग्राम खोलेंगे तो आपके सामने एक मेनू अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पर, और उस मेनू में आप देखेंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड आपको दिखाई देगा, वहाँ जाकर आप एमएस वर्ड को माउस का लेफ्ट बटन करके क्लिक कर देंगे तो आपका एमएस वर्ड आपका खुल जाएगा। उसके अलावा आप रन में जाओगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा, और उस डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना होगा एमएस वर्ड आप टाइप करोगे, उसके बाद क्लिक कर देना या इंटर, कंप्यूटर के कीबोर्ड का इंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो आपका एमएस वर्ड स्क्रीन पे खुल जाएगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपका एमएस वर्ड आ जाएगा। इसके अलावा भी आप कंप्यूटर पे ऑलरेडी आइकन बना लिए हो एमएस वर्ड का, तो डायरेक्टली आप जैसे आइकन ऐसे बनाए हो, जैसे माई कंप्यूटर का होता है, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स होता है, तो आप आइकन पे जाके एमएस वर्ड का आइकन अगर बना लिए हो, एमएस वर्ड का अगर आइकन आप बनाए हो पहले से,
तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसको जाके लेफ्ट बटन का यूज करते हुए डायरेक्टली क्लिक कर देंगे लेफ्ट, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आइकन पे आप डबल क्लिक कर लोगे, तो थ्री तरीका है एम एस वर्ड ओपन करे का। जब एम एस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा तो ऐसे ही स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक नीली पट्टी होती है जो कंप्यूटर का स्क्रीन आपका खुलता है, एम एस वर्ड जब आप ओपन करते हो तो वहाँ लिख के आता है ऊपर एक नीली डार्क ब्लू कलर का एक नीली पट्टी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, और उसमें लिखा रहता है जो भी आप सॉफ्टवेयर खोले रहते हो ना उसका नाम लिखा रहता है। जैसे हम यहाँ एम एस वर्ड खोले हैं तो यहाँ हमारा क्या लिखा है, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है, ये आपका ये टाइटल बार, और इस नीली पट्टी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार शीर्षक जो भी आप सॉफ्टवेयर खोले हो उसको इंडिकेट करता है, सॉफ्टवेयर को बताता रहता है। उसके बाद फिर आपके नीचे मिलेगा एक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, इस तरह के कई ऑप्शन मिलेंगे नीचे। तो वो ऑप्शन आपके क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेनू बार बोलते हैं स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार, इसको मेनू बार बोला जाता है, और इसका भी यूज करते हैं जब कंप्यूटर में हम काम करते हैं। तो इसके नीचे भी एक आपका मिलता है, तो इसमें आप देखें कुछ सिंबल बना हुआ है, जैसे कि पेज का सिंबल बना है, ओपन पेज का सिंबल बना हुआ है, और यहाँ आपका ये देखिए साइज है वर्ड का, जो भी हम साइज लिखे हैं यहाँ 12 साइज दिखा रहा है। ये आपको हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, ये जो इसको जूम करने के लिए 100% पे है, 100%, 50%, 100%, 300%, 400%, जितना भी चाहे उसको जूम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस वाली पट्टी को हम बोलते हैं इंसर्ट, इंसर्ट पॉइंट, इंसर्ट इंसर्टेंस, इंटरसन पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंटरसन पॉइंट। अब इसके बाद आपका नीचे हमारा आता है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 1, फिर 1 2 3 करके 2 3 4 5 ऐसे डाट डाट करके दिया हुआ है ना, ये रूलर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम रूलर बोलते हैं। रूलर का मतलब होता है कि पेज को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस तरह के हमें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पेज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, पेज की साइज को लेफ्ट राइट या अप या डाउन जो भी हम सेट करना चाहें। तो यहाँ से हम जाके इसको क्या कर सकते हैं, इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग जिस तरह की आपकी ज़रूरत हो। उसके बाद आप इधर देख रहे हैं, ये आपको है यहाँ से एक क्लोज बटन दिखा रहा है, ये यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। इससे आप क्या करोगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का काम ये करते हैं। अब इधर देखिए, ए यहाँ एरो का निशान लगा हुआ है, यहाँ भी राइट साइड में आपको कंप्यूटर का जब एम एस वर्ड का, एम एस वर्ड जब आपका खुला हुआ है उस समय आपका देखिए यहाँ पे एरो लगा है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सॉरी वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसका और इसका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसका यूज हमारा किस लिए होता है, ये पेज को ऊपर और नीचे, पेज को ऊपर नीचे करना होगा, ऊपर नीचे उसको करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर भी हमारा है, इधर पेज को लेफ्ट एंड राइट करना होता है, दाएं बाएं बढ़ाना घटाना होता है, तो उससे हम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने देखा भी कि एम एस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, एम एस वर्ड को स्टार्ट करने के बाद कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब हम बताएंगे इसके बाद, हम आपको बताने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड, एम एस वर्ड का क्या फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड। फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड, बात हमारा आ रहा था अभी, हम बता रहे थे पीछे ना रूलर, रूलर क्या होता है, तो रूलर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी पहले दे देते हैं। रूलर,
ये रूलर जो होता है हमारा पेज सेटअप करने के लिए होता है। क्या होता है? पेज सेटअप करने के लिए होता है। पेज सेटअप किस तरह का? लेफ्ट राइट अप या डाउन, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, जो भी हमारा पेज सेट करना होता है लेफ्ट राइट की तरफ, हम इसको क्या कर सकते हैं? पेज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है वर्क स्पेस। ये हमारा है वर्क स्पेस, जो बीच में ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा था वो हमारा क्या था? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस इट इज वर्क एरिया। ये वर्क एरिया है जहाँ पे हम कंप्यूटर एम एस वर्ड में काम करते हैं। एम एस वर्ड में जो काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस, वर्क एरिया। अब उसके बाद हमारा आता है इंसल्टेंट वाइंट। इंसल्टेंट इंसल्ट वाइंट, इसमें हम जाके अगर इसमें जाके इट इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, इट इज ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसे ब्लिंकिंग करते हुए वर्टिकल लाइन होता है ना, जिसको हम कर्सर बोलते हैं, आप वही समझ लीजिए इंसल्टिंग पॉइंट। या जहाँ ये रहता है ना वहीं से हमारा ये जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वहीं से हमारा टाइप होना शुरू हो जाता है। एक ऑफिस असिस्टेंट का भी आपका बटन मिलता है, ठीक है ना? ऑफिस असिस्टेंट ये क्या होता है? एम एस वर्ड में आपको एक ऑप्शन मिला होता है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट। इट यूज फॉर हेल्प इन एम एस वर्ड। ये एम एस वर्ड में आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा वर्क करते समय, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हो ऑफिस असिस्टेंट से, ठीक है? ऑफिस असिस्टेंट से ले सकते हो। इसके बाद हमारा आता है कि हाउ फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड, ठीक है? फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड, फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन मतलब होता है कार्य, और एम एस वर्ड, एम एस वर्ड से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले मित्र यू कैन एडिट, पहला इसका कार्य क्या है? यू कैन एडिट, आप एडिट कर सकते हो। गलती अगर कोई आपसे हो जाए पेज को टाइप कर, यू कैन एडिट ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और होल डॉक्यूमेंट। आप इसको कोई भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी अगर टाइपिंग किए हो, डॉक्यूमेंट्री को बनाया हो, लग रहा है कि उसमें कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप एडिट कर सकते हो। अगर किसी पार्ट में गलती हो गई है तो उस पार्ट को सेलेक्ट करके ही उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और होल पार्ट में अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? होल डॉक्यूमेंट में भी हम जाकर उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये आपकी एक फैसिलिटी मिलती है। आप पहले जो टाइपराइटर पे काम करते थे पेज पे, टाइपराइटर पे, तो टाइपराइटर पे एक बार काम कर दिए अगर गलत हो गया तो उसके बाद वो क्या होता था? वो सही नहीं हो पाता था, उसको डिलीट नहीं कर पाते थे, उसमें एडिट नहीं कर पाते थे। बट एम एस वर्ड में हम क्या करते हैं? जो भी काम करते हैं अगर उसमें कहीं मिस्टेक हो गया पूरे होल पेज में, या कहीं पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के किसी भाग में ही हो गया, तो उस समय हम क्या करेंगे? चेंजिंग कर सकते हैं। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स। आप जैसे मैं कितना डॉक्यूमेंट जो बनाया हूं, जैसे एक एप्लीकेशन भी हम लिखे हैं तो उसमें कितना वर्ड यूज हुआ है उसको हम काउंट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिया होता है एम एस वर्ड में, काउंट ऑप्शन होता है जहां जाके हम अपने वर्ड को
काउंट कर सकते हैं, डिटेल एकदम करेक्ट आपको बता देगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हो उसमें कितना वर्ड लगे हैं, कितने वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरी इसकी विशेषता क्या है, तीसरा इसका मुख्य क्या क्या है एमएस वर्ड का, तीसरा आपका है यू कैन लेफ्ट राइट बटन मार्जिंग रिक्वायर्ड, यू कैन चेंज, आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चेंज लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मार्जिन, अप डाउन मार्जिन आप इसमें चेंज कर सकते हो, लेफ्ट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। देखिए तो हम बता रहे हैं आपको क्या कर रहे हैं, पहला हमारा बताइए कि किसी भी पार्ट में हम डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, इसमें है कि लेफ्ट राइट को अप और डाउन पेज के मार्जिन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, यू कैन मर्ज, यू कैन मर्ज एड्रेस विथ लेटर्स, एड्रेस विथ लेटर्स, पांचवा यू कैन सेव द डॉक्यूमेंट, यू कैन सेव द डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, एंड बी ओपन व्हेन रिक्वायर्ड इट, जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम मुख्य रूप से पांच फंक्शन आपको बता रहे हैं एमएस वर्ड का। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन आपको बताए कि एम एस वर्ड में जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें कोई मिस्टेक होता है तो उसको आप जाके पार्ट सेंटेंस के किसी पार्ट को या पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दूसरा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हो उसे आपको लगता है कि नहीं कितना वर्ड इसमें हमने टाइप किया है, डॉक्यूमेंट में हमारे कितने वर्ड यूज हुए हैं, उस यूज हुए हैं उस वर्ड को हम काउंट कर सकते हैं। तीसरा है यू कैन चेंज, हम अपना चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके जो पेज के लेफ्ट राइट जो साइज होता है अप डाउन की साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन मर्ज एड्रेस विद द लेटर, हम एक लेटर जैसे लेटर को क्या कर सकते हैं, एक फाइल को दूसरे फाइल से मर्ज करा सकते हैं, मर्ज मीन्स मिला देना एक साथ को, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ जोड़ देना। ठीक है, अब बात करेंगे हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, हम नया डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड में कैसे बनाएंगे। हमने देखा अभी तक क्या कि क्या होता है एम एस वर्ड, एम एस वर्ड में हाउ टू स्टार्ट एम एस वर्ड, एम एस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमने बात किया एम एस फंक्शन ऑफ वर्ड, फंक्शन ऑफ एम एस वर्ड। अब बात होगी कि चर्चा करेंगे कि क्रिएट ए, हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट कैसे हम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे सर, हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद थोड़ा वाले हैं आपको कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, हम नया डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे एमएस वर्ड में, हाउ टू क्रिएट
हाउ टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। ए न्यू डॉक्यूमेंट, हम कैसे नया डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें एक पेज की जरूरत पड़ती है। जब एमएस वर्ड हम खोलते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास सामने एक पेज अपीयर होता है, आया होता है। आप उसी में जाके चाहो तो बना सकते हो अपना डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो नया पेज लेने के लिए हम सबसे पहले मेनू बार में जाएंगे। मेनू बार में जाके फाइल ऑप्शन को क्या करेंगे, चूज करेंगे फाइल। फाइल के बाद हम अपना न्यू में जाएंगे और न्यू में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, चू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, एक पेज नया आ जाएगा। अगर पहले से नया पेज आ जाएगा, ठीक, न्यू डॉक्यूमेंट्स। या इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम कंट्रोल कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन से शॉर्टकट की से हम क्या करेंगे, न्यू पेज लेने के लिए होता है, क्या होता है, न्यू पेज इसे लिया जाता है। अब न्यू पेज लेके हम क्या करना है, जो भी हमारा वर्क करना होगा, जैसे हम लिखेंगे माई इंडिया, माई कंट्री इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज, सॉरी, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। मैंने ये एक डॉक्यूमेंट बना लिया और इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी पेज की सहायता से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बार बार इसको पेस्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बार किए तो फिर इसी को पेस्ट कर देंगे, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ऐसे कर लिए। अब ऐसे करने के बाद मान लीजिए कि यही हमारा डॉक्यूमेंट है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब ये हम बना लिए पेज पे, हमने इसको टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद इसको हम इन फ्यूचर के लिए कैसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव कर लेंगे कि मान लीजिए जब इसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट आउट से प्रिंट निकालूंगा। तो इसको सेव अब करेंगे, क्रिएट कर लिए, बना लिए। ये हमारा मान लीजिए सपोज डेट की, ये हमारा ये क्या है, ये मैं एक डॉक्यूमेंट के तौर पर बनाया हूँ, जो सेंटेंस लिखा हूँ इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो हाउ टू सेव, क्या करेंगे, सेविंग ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, सेविंग ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हम सबसे सेव करेंगे डॉक्यूमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइल मेनू का ही यूज करते हैं। फाइल में जाएंगे मेनू बार में और यहाँ से आपको देखेंगे, फाइल मेनू में जब खोलेंगे ना तो आपके सामने एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर हो जाएगा, एक मेनू बार अपीयर हो जाएगा, उसमें आपको सेव ऑप्शन मिलेगा और सेव ऑप्शन में जाके आप टाइप करेंगे, टाइप द नेम, आप टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद हम सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव ऑप्शन पे क्या करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सेव ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो क्या करेंगे, सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, सेव के करेंगे तो हमारे पास एक, सेव करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर आएगा, उसमें आपको ऐसे बन के आएगा, उसमें आपको एक जगह नाम टेक्स्ट भरने के लिए आएगा, जो भी आप नाम से फाइल सेव करना चाहते हो। उसके बाद क्या होगा, ये आपका सेव क्लिक कर देंगे। इसके अलावा शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एस से आपका क्या होता है, सेव के लिए ही होता है शॉर्टकट की। और जब भी मान लीजिए मैंने कोई फाइल सेव किया है, मैंने अंजनी से कोई फाइल सेव किया है, तो इसके बाद यहाँ आपका लग जाता है डॉट डी ओ सी। ये डॉट डी ओ सी जो लग जाता है, डॉट डी ओ सी और डॉट डी ओ सी एक्स, यही लगता है। ये जो होता है डॉट डी ओ सी और डॉट डी ओ एक्स जो होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सटेंशन लगा होता है, एक्सटेंशन नेम। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द कॉल्ड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम फॉर आइडेंटिफाई फाइल्स। ये क्या होता है, फॉर आइडेंटिफाई फाइल्स, हम फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए,
कि ये जो सेव किए हैं ये किसका फाइल है, तो ये जो डॉट डी ओ सी लगा है ये क्या है, डॉट डी ओ सी लगा है ये आपको बता रहा है कि ये जो फाइल है अंजनी डॉट डी ओ सी ये एम एस वर्ड का ही फाइल है। अब हमने सेव कर लिया, क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद कैसे इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए ओपन ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम वही फिर फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल में ही आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फाइल में ओपन ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन ऑप्शन में जाओगे तो एक मेनू बार आपके सामने अपीयर होगी, उसमें टाइप द, नेम ऑफ फाइल, जिस नाम से आप फाइल को सेव किए हो उसके बाद ओपन कर दोगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। फाइल क्लिक करेंगे, फाइल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, फाइल में आपको ओपन मिलेगा। ओपन के बाद जिस टाइप से, जिस नाम से हम क्या किए हो, जिस नाम से आप फाइल सेव किए हो उसी नाम को आप यहाँ टाइप करोगे, उसके बाद ओपन पे आप क्लिक कर देना, आपका फाइल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे मैंने क्या किया था, अंजनी नाम से सेव किया था, तो यहाँ अंजनी ही नाम डाल लेंगे, अंजनी नाम यहाँ टाइप करेंगे तो हमारा फाइल अपीयर हो जाएगा। ओपन क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या है ओपन करने का, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ से ही क्या होता है, ओपन होता है।